मिलिए रूमी से, जो है हमारे माहौल का नन्हा मुन्हा मुहाफिज। रूमी हमेशा अपने कमरे से निकलते वक्त बिजली के तमाम स्विच ऑफ कर देता है ताकि तवनाई जाया ना हो। स्कूल जाते वक्त रूमी का सामना ऐसे लोगों से होता है जो इकोसिस्टम की हसासियत से नावाकिफ है, लेकिन रूमी हार नहीं मानता। रूमी को दोस्त बनाना पसंद है और वो हमेशा दूसरों की मुख्तलिफ सोच का एहतराम करता है। भाई, क्या मेरे साथ लंच करोगे? रूमी का दिल बहुत बड़ा है। रूमी जानता है कि आपस में चीजें बांटना कितना अहम है और इसीलिए वो हमेशा जरूरतमंदों का ख्याल रखने की कोशिश करता है। रूमी को इस बात का भी एहसास है कि प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल माहौल को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए वो प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला अपने साथ रखता है। स्कूल से लौटने पर अपने पास मौजूद बचे हुए पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए रूमी वो पानी पौधों पर डाल देता है ताकि पौधे सहराब हो सके। हमारा नन्हा रूमी पूरा दिन माहौल की हिफाजत के लिए अपने नन्हे मुन्हे इकदामात के बाद बिलाखिर सो जाता है। रूमी के वालिदैन उसके इन इकदामात पर एक खुशगवार हैरत में मुब्तिला हो जाते हैं। रूमी सो गया? हाँ, सो गया। कितना समझदार हो गया हमारा बेटा। आज तो उसने मुझे हैरान ही कर दिया। इतना तो हम भी अपने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचते। अब क्यों ना सोचें? हम सबका फर्ज है कि हम इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रैक्टिस करें ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। हाँ, ये हुई ना बात। सिर्फ एक कदम ही तो बढ़ाना है, सिर्फ एक कदम।